औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम है मेरे चैनल अलमास फातिमा में। ये ले जी, आपके लिए एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ मैं, जिसमें आपको लोग की कह लें, कुछ लोग घिया बोलते हैं, घिया कह लें, उसकी बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो है। और ये उसके पत्ते हैं और फसलें वगैरह देख ले कैसी होती है कैसी नहीं होती, क्योंकि शहर वालों को ना अक्सर ये बात पता नहीं होती कि कैसी होती है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, सब्ज़ियाँ कहाँ उगती हैं, कैसे उगती है कैसे नहीं उगती। ये सोहन, खैर इसके बारे में आज मैं ये कहूँगी। ये देखिए जी, प्यारी सी तोरी भी है कि ये जो घिया होता है ना, यहाँ लौकी जिसे बोलते हैं, एक तो खाना सुन्नत भी है और दूसरा इसके खाने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, ठीक है। तो अक्सर मैंने देखा कि बच्चे जो होते हैं ना, वो नहीं खाते सब्ज़ियाँ या कोई चीज़, लेकिन जो ये लौकी है ना, इसको तो आप कद्दूकश करें और इसको हल्का सा पानी डाल के बॉईल कर लें और उसको दही में शामिल करके रायते के तौर पे बच्चों को बना के दें, बच्चे खाएंगे, बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। खैर यानी हर चीज़, हर फल, हर सब्ज़ी, सब कुछ हमें खाना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी खिलाने की आदत डालनी चाहिए। ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, ये तो बिल्कुल भी कोई चीज़ खाने का नाम ही नहीं ना लेते। माशाल्लाह हवा बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा मौसम था। आगे आगे देखिएगा इंशाल्लाह, मौसम और अच्छा और बेहतर होता जाएगा। जो जो मेरी वीडियो पर न्यू है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक पहुंच सके। और जो पुराने हैं उनके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों का मैं दिल से, बहुत बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से ना मैं शुक्र गुज़ार हूँ उन सब की, जो कि ना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से काफ़ी थोड़ा टाइम